सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर, क्या हाथ की लकीरें। दोस्तों, लिखने वाले ने ये लाइनें जो भी सोचकर लिखी हूँ, लेकिन इन लाइनों को पढ़कर मुझे फिर एक शख्सियत की याद आ गई, जिसे लोगों ने भले हाई स्कूल फेल समझा हो, लेकिन आज वो हाई स्कूल फेल आदमी करोड़पति है। जी हाँ, करोड़पति, लेकिन बिजनेसमैन नहीं है, किसान है। नाम है राम शरण वर्मा। इनकी कहानी और सफलता के किस्से सुनकर मुझे अक्सर थ्री इडियट्स की याद आ जाती हैं, क्योंकि हकीकत भी यही है कि काबिलियत नंबर्स की गुलाम नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि कोई किताबें घोल कर पिए तभी सफल होगा, या बड़े बड़े डिग्री कोर्स करे तभी पैसा कमाने का दम आएगा, तभी सफलता मिलेगी। हुनर और हौसले की जुगलबंदी एक आम आदमी को किसी भी वक्त खास बना सकती है, जैसे कि राम शरण वर्मा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के रहने वाले राम शरण किताबी पढ़ाई में भले दसवीं फेल हों, लेकिन खेती की पढ़ाई में वो अव्वल हैं और पूरे बाराबंकी के किसानों की शान हैं। उनके खेती के तरीकों को देखने राज्य और देश के किसान ही नहीं बल्कि विदेशी भी आते हैं। राम शरण अपने खेतों में टिश्यू कल्चर मेथड से केले की खेती करते हैं। उत्पादन और मुनाफा इतना कि सुनने वालों को अक्सर यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है कि राम शरण वर्मा को एक एकड़ के केले की फसल से 2.5 से 3.5 लाख तक का मुनाफा होता है। वो केले के अलावा टमाटर और आलू की भी अच्छी खासी खेती करते हैं और उससे आमदनी कमाते हैं। किताबी पढ़ाई में भले इन्हें फेल माना हो, लेकिन इस किसान में वो हुनर है जो माटी से सोना निकाल रहा है, और उनके इसी हुनर के लिए उन्हें साल 2007 और साल 2010 में भारत के सबसे बड़े कृषि सम्मान राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। कई राष्ट्रीय और राज्य सम्मान हासिल कर चुके राम शरण वर्मा को मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने भी साल 2012 में एक प्रोग्राम के दौरान खेती का जादूगर कहा था। लेकिन इस जादूगर की खूबी ये है कि ये अपना जादू अपने तक नहीं रखते, बल्कि इन्होंने अपना जादू दूसरे किसानों को भी सिखाया है, और आज राम शरण वर्मा के गाँव के दूसरे किसान भी उन्हीं की तरह केले की मुनाफेमंद खेती कर रहे हैं। साल 1986 में खेती करने का जो सफ़र राम शरण वर्मा ने शुरू किया था, आज वो 100 एकड़ पर जा पहुंचा है। आज 100 एकड़ ज़मीन पर वो खेती करते हैं। हालांकि इस ज़मीन में राम शरण वर्मा की अपनी ज़मीन सिर्फ 6 एकड़ है, बाकी ज़मीन गांव वालों की है, लेकिन खेती करने के तरीके, सारे फॉर्मूले, सब कुछ राम शरण वर्मा ही किसानों को समझाते हैं। यानी 100 एकड़ ज़मीन पर सहकारिता व्यावसायिक खेती, तभी तो करोड़ों में होता है राम शरण और गांव के किसानों का मुनाफा। केले की पैदावार में तो राम शरण वर्मा सबसे आगे हैं ही, केले के अलावा राम शरण टमाटर की खेती भी बड़े स्तर पर करते हैं, और उनके नक्शे कदम पर गांव के दूसरे किसान भी हैं। टमाटर की खेती से भी राम शरण और गांव के दूसरे किसान प्रति एकड़ 2.5 लाख तक की आमदनी कर लेते हैं। राम शरण गाँव के दूसरे किसानों को भी कृषि की बारीकियां समझाते हैं और उन्हें खेती के सही तौर तरीकों से रूबरू कराते हैं, जिसके लिए वो अपने गांव में हाईटेक एग्रीकल्चर एंड कंसल्टेशन सेंटर भी चला रहे हैं। अगर आप इनसे खेती के गुर सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट www.vermaagri.com पर जाकर इनका पूरा पता देख सकते हैं। विजिट करें वेबसाइट को, वहां से कॉन्टेक्ट नंबर्स निकालें और संपर्क करें। दोस्तों, राम शरण वर्मा की ये कहानी इस ओर इशारा करती है कि काम वही करें जिसे शिद्दत से करने का मन हो, वरना बेमन चाकरी तो सभी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगी एक और सफल किसान की प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।